नमस्कार। चलिए आज हम बात करेंगे 18 सितंबर के बारे में। 18 सितंबर को एक दिन सेलिब्रेट करते हैं हम, जिसका नाम है वर्ल्ड बैम्बू डे। वर्ल्ड बैम्बू डे यानी विश्व बैम्बू, जो बांस होते हैं, बांस को बैम्बू कहते हैं इंग्लिश में। विश्व स्तर पर हम बैम्बू डे, बांस दिवस सेलिब्रेट करते हैं 18 सितंबर को, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बैम्बू क्या है? एक प्रकार की घास है जो कि कुछ सेंटीमीटर से लेकर ऊपर 30 मीटर तक होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी शुरुआत की। इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2009 में, जब बैंकॉक के अंदर, जो बैंकॉक शहर है, बैंकॉक के अंदर एक विश्व कांग्रेस आयोजित हो रखी थी। उसी दौरान में विश्व बांस जो संगठन है, इसका एक संगठन बना हुआ है, इसको हम जानते हैं विश्व बांस संगठन के नाम से। उस संगठन ने विश्व बांस की जो कांग्रेस थी, मीटिंग थी, जो कांग्रेस मीटिंग थी, जो विश्व बांस कांग्रेस की, उस मीटिंग के दौरान जो वहाँ पर अध्यक्ष थे, जिनका नाम था कामेश सरम, उन्होंने यह अनाउंस करा था कि हम 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में सेलिब्रेट किया करेंगे। अब बात आती है कि क्यों किया करेंगे, क्यों सेलिब्रेट करने के लिए और इसको कहा गया। तो बांस है, बांस का जो उद्योग है उसके संरक्षण के लिए, यानी कि सुरक्षा के लिए और उसको प्रोत्साहन देने के लिए, जो इसको बांस के उद्योग को या जो इसकी खेती करता है उसको बढ़ाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनको इसके फायदे बताने के लिए इसको अनाउंस किया गया कि हम इसको सेलिब्रेट किया करेंगे, मनाया करेंगे। ठीक है, ये था कब अनाउंस किया, यानी कब इसकी शुरुआत हुई। और दूसरी, किसने इसकी शुरुआत करी? विश्व बांस संगठन में अध्यक्ष थे कामेश सरम, उन्होंने इसके बारे में शुरुआत करी। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए हमने इसकी शुरुआत करी। ठीक, अब बात आ जाती है घास के बारे में। जब आप देख रहे हैं भाई हम इतना इसका संरक्षण कर रहे हैं या इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं इसको उगाने के लिए, तो इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए कि भाई क्यों कर रहे हैं। पहले बांस के बारे में भी हम देखते हैं ना, तो बांस के हम देखें पहले। बांस क्या है? एक घास, जो घास है, घास की प्रजाति, या हम कह देंगे घास कुल से ये बिलोंग करता है। ठीक है, दूसरा बोने प्रजाति, जो इसकी प्रजाति है, बोने प्रजाति, जैसे हम मानव के अंदर भी देखें तो ह्यूमन बींग, उनके अंदर भी बोने प्रजाति होती है जो छोटे छोटे रह जाते हैं, तो वैसे ही बोने प्रजाति में से लेके, बोने प्रजाति यानी कुछ सेंटीमीटर से लेके इसकी हाइट ऊपर 30 मीटर तक होती है। ठीक है, अब इसकी क्या है क्वालिटी? क्वालिटी भाई इसकी है कि कैसे भी परिस्थिति हो जाए, यानी पानी की जरूरत हो तुम दो ना दो, एक बार उगा के छोड़ दो, उग जाता है। ठीक है, कैसी परिस्थिति में ये उगने के लिए तैयार रहता है। दूसरा क्या है, आपदाओं में भी जीवित रहता है। आपदा यानी जैसे आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी वाला हमला हुआ था, उस टाइम में भी, हमले के बाद में इनके जो बांस है, बांस की प्रजाति के वहाँ पर पेड़, नए पौधे उगते हुए दिखाई दिए थे। यानी इतना बड़ा हमला होने के बाद भी सबसे पहले जो प्रजाति देखी गई पेड़ों की, तो वो कौन सी? पेड़ों की नहीं, घास की, वो कौन सी देखी गई थी? बांस की। यानी कैसे भी परिस्थिति के अंदर यह जीवित रह सकता है, उग सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इसको हरा सोना भी कहते हैं। अब हरा सोना इसको क्यों कहते हैं? हरा सोना कहने के पीछे यह है कि भाई इसका जो आर्थिक, यानी कि जो इसकी कीमत है, कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हरा सोना भी कहा जाता है। दूसरे है अनुपयुक्त भूमि, जहाँ पर जिस भूमि में हम किसी फसल का यूज नहीं कर रहे हैं, उस भूमि में भी इसको होगा सकता है। अनुपयुक्त भूमि के अंदर भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। एक और चीज जो इस संगठन, विश्व बांस संगठन के आधार पर इनकी जो हमारी बांस है, विश्व बांस संगठन के आधार पर काम करता है, उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए जो इनाम दिया जाता है, जो अवार्ड दिया जाता है, उसको बोला जाता है वर्ल्ड बैम्बू माइनिंग अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड उन बंदों को दिया जाता है जो विश्व बांस संगठन के साथ काम करते हैं। ठीक है, आगे आती है, हम अपनी भारत सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया है? तो भारत सरकार ने जो भारतीय वन अधिनियम था 1927 का, उसके अंदर क्या करा, संशोधन करा। संशोधन करके इसको कहाँ कर दिया, पेड़ से अलग कर दिया। यानी पहले बांस को पेड़ कहा करते थे, लेकिन संशोधन के बाद 1927 में जब संशोधन किया गया इस अधिनियम के अंदर, तो इसको पेड़ से अलग करके कहाँ डाल दिया गया, घास में। ठीक है, और भारत सरकार ने क्या किया, अक्टूबर 2006 के अंदर
राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू करा था। राष्ट्रीय बांस मिशन इसको प्रोत्साहन देने के लिए, संरक्षण करने के लिए अक्टूबर 2006 में एक मिशन शुरू करा था, जिस मिशन को कहा गया राष्ट्रीय बांस मिशन कहा गया। ठीक है, फिर बाद में ये तो चल ही रहा था, बाद में जब 2014 में आपको पता है सरकार परिवर्तित हुई, उसके बाद 25 अप्रैल 2018 में जो बांस मिशन था इसको केंद्रीय योजना के अंदर ले, यानी केंद्र सरकार इसको योजना में ले लिया कि इसके लिए हम केंद्र सरकार के द्वारा काम किया जाएगा और उसको जो राष्ट्रीय बांस मिशन चल रहा था उसको दूसरा नाम दे दिया, पूर्ण गठित राष्ट्रीय बांस मिशन, इसको मंजूरी दे दी गई। ठीक है, तो ये था हमारा बांस के बारे में राष्ट्रीय सॉरी वर्ल्ड बैम्बू डे के बारे में जो कि 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बताइएगा कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, और लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।